हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट कुछ टिक के साथ बनाते हैं गुलाब जामुन की ये रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट गुलाब जामुन का जो पाउडर आता है उसको ले लिया है, और इसको हल्का हल्का सा पानी डाल के हमें ये डो तैयार करना है। बहुत ही सॉफ्ट, इसको गूंथना ही सबसे बड़ी ट्रिक रहती है। गूंथ के अब इसकी छोटी छोटी सी इस तरह से लंबे वाले हम गुलाब जामुन बनाएंगे। अब दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन में 2 कप चीनी ऐड किया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो 2 कप मैंने चीनी लिया है, तो इसमें 3 कप इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं। अब इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है, क्योंकि मुझे इसमें चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर इसी तरह से इसको पकने देंगे। अब इसमें हम हरी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, जिससे फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा। और फिर इस तरह से देखेंगे कि ये हमारी चाशनी पक चुकी है या नहीं। तो इस तरह से हमारी चाशनी यहाँ पर बन चुकी है। दूसरी साइड हमने ऑयल गरम कर रहे हैं कढ़ाई में, क्योंकि हमें गुलाब जामुन सेकने हैं। तो देखिए, इस तरह से सभी गुलाब जामुन बना के इनको हम फ्राई कर लेंगे हल्का गोल्डन होने तक, जिससे कि इनका कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कलर सबका चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हम इनको निकाल देंगे। तो एक पैच सेक चुके हैं, अब यहाँ पर हम दूसरा सेकेंड बैच सेकेंगे। तो इस तरह से ये सेकेंड बैच भी हमारा सेक चुका है, और इनको भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो सभी गुलाब जामुन को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है सेक के। अब इनको हम चाशनी में डुबो देंगे। तो इस तरह से इनको चाशनी में डुबो दिया है। तो बहुत ही फटाफट कम समय में बिना खोया के बन के गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई